हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट टॉक ब्लॉग। मौसम की बिल्कुल बारिश भी हो रही है और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। आज मैं जब कुक मसाज करने के लिए गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल रखा कि आप उसका ना सिर्फ मसाज करने से ही इसका पैर थोड़ा सीधा हो सकता है, तो मैं डेली उसकी मसाज करने जाती हूँ। वहाँ से मार्केट गई ना, रास्ते में मुझे एक डॉग अपने घर के बाहर बंदा मिला, तो मैं उनकी मालिक को मैंने बुलाया। जब मालकिन बाहर आई, फ़ोन पर लगी हुई थी, तो मैंने उनसे बोला आपने इसको बाहर क्यों बांध रखा है। कह रहे अभी भी बांधा है। मैंने कहा अभी भी तो नहीं बांधा, 15-20 मिनट पहले जब मैं यहाँ से गई थी सामान लेने तब भी ये बंधा हुआ था, और जब मैं आई हूँ तब भी बंधा हुआ है। तो कह रही हैं ये ना मैंने सुसू करने के लिए बांधा है ताकि ये सुसू करके आ जाए। अगर वो बांध रखा है तो सुसू करने कैसे जाएगा? पहली बात तो इतनी तो कॉमन सेंस तुम्हारे में होनी चाहिए कि बच्चा बांध रखा है और आप कह रहे हो सुसू करने के लिए बांधा हुआ है, तो बाहर ही बंधा रहता है बच्चा ज़्यादातर। तो मैंने उनसे बोला, तो दरवाज़ा बंद करके ना बच्चे को अंदर कर रही है और मुझसे पूछ रही है आप कहाँ से आए हो। मैंने बोला मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने उसे अच्छी तरह समझाया कि मैं एनिमल वेलफेयर से हूँ। तो कह रही अच्छा ऐसे कोई नहीं उठा सकता डॉग को, ये है वो है। तो मतलब लोगों को ना एनिमल्स पाल तो लेते हैं पर उनकी केयर करना बिल्कुल भी नहीं आता। देखिए वो लेडीज़ की किस तरीके की बात है और किस तरीके का वो रिप्लाई कर रही थी। पालतू डॉग है आपका? पालतू डॉग है? हाँ। ये बाहर बंदा रहता है ऐसे? नहीं अंदर। इसको बाहर ऐसे धूप में मत बांधो, गर्मी हो रही है इस टाइम, इसको अंदर ही रखा करो, बाहर रोड पे ऐसे मत बंदा करो, अलाउ नहीं है ऐसे करना। आप अगर अपने पालतू डॉग को ऐसे रोड पे बांधोगे, लेकिन हमेशा अंदर ही रखते हैं। पर बंदा हुआ के लिए रखा, बांधा बांध के बाथरूम कौन जाता है बताओ? बांध के कौन जाता है? आप इसको बाहर नहीं रख सकते ऐसे, है ना? कानून नहीं रख सकते। मैं एनिमल वेलफेयर से हूँ और मैंने अभी ये बंधा हुआ देखा, तो मैंने इसकी लोकेशन ऑफिस भेजी है अभी। तो इसको प्लीज ऐसे मत बांधो। मैं बाहर बंधा तो ये चला जाएगा, ये ध्यान। ये एनिमल अत्याचार पे आता है। हाँ, एनिमल अत्याचार पे आता है ये। अंदर खोला, बाहर बंधा हुआ, गर्मी में बंधा हुआ बच्चा। आप दरवाजा बंद करने से तो कुछ नहीं होगा ना, दरवाजा बंद करने से आपका गलत नहीं हो जाएगा ना, सही? आप इसको बांध के ऐसे मत रखो, इसको अंदर रखो कमरे में जैसे रहते। अभी मैंने देखा, अब मैंने देखा आप कर रहे हैं बाथरूम बांध के थोड़ा करोगे, ऐसे खुराक करवा के आओ ना। ये तो बंदा पड़ा, मैंने बहुत देर से देखा है ये आपका बंदा हुआ। नहीं नहीं, ये एनिमल सुबह सुबह के नाटक स्टार्ट हो गए इसके। चल पियो, इतने नाटक कर रखे हैं सच्ची ने, इतने नाटक। खा ले बेटा, फिर मेरे को जाना है। अरे सर पनीर तो खा रही है, चलो पनीर ही खा लेगी, यही बहुत है, कुछ तो खा ही रही। वो आएगा ना फिर पी जाएगा तेरा सारा दूध। मैं जाती हूँ तब ये पीती है। चलो पी तो रही है, जाओ चलो पियो, जाओ पियो। सर पीती नहीं है दूध, पता नहीं कैसे बहुत नाटक करती है सुबह सुबह। चल क्या क्या हो गया? मैं ना काफी खाना उसके अंदर रखते जा रही ताकि मेरे बच्चे खा ले, खा ले खा लो खा लो खा लो। चलो सुबह सुबह ये लोग आ गए, खा ले खा बेटा, रखा है तेरा खाना, खा चल खाओ। इसको पता है जब मैं ऊपर जाती हूँ तब ये खाना खाती है। पूरा खा दिल्ली पपैया, नीचे रख देंगे खाओ। चलो लोगों को लगता है अगर मैं डॉग को खाना खिलाती हूँ, बच्चे को खाना खिलाती हूँ, शायद मैं घर का काम नहीं करती। तो मैं बता दूँ घर का काम मैं पूरा, अपना घर का खाना वाना मैं सब खुद बनाती हूँ। हाँ मेरी थोड़ी हाउस हेल्पर लगा रखी है हमने, जो कि मेरा पूरा सब्जियाँ वगैरह मुझे काट के दे देती हैं। तो मैं फिर मैं खाना बनाती हूँ, पूरा खाना मैं घर में अपने बच्चों को मैं खुद ही बनाती हूँ। और स्ट्रीट बच्चे जो हैं डॉग, उनका खिलाने का खाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ, और अपने घर के मेंबर्स का भी। तो ये सोचते कि मैं घर का काम भी प्रॉपर वैसे ही करती हूँ। मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है, अब उसमें कट करके ना टमाटर और डाल दूँगी। गेट पे हमेशा ये बच्चा मेरा गेट पे बैठा रहता है और हमेशा मेरी हेल्प करता है। कुछ बाबा मेरे, मैं टमाटर उगा रहा हूँ ना, मैं खुद ही अपने आप काटती हूँ साथ में, वो साथ में सब्जी काट देती है, पर इस टाइम मैं खुद काट रही हूँ। ऐसे क्या ना मेरे ना नीचे स्ट्रीट का काम ना सुबह का भी और शाम का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो
मेरे को ना ये काटने वाटने का इतना टाइम नहीं मिलता, फिर ना थक जाती हूँ। गर्मियों में तो खास तौर पे इतना ज़्यादा चक्कर आते हैं ना बाहर से आके, इतना काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। पर हाँ, 7 बजे से फीडिंग होती है सुबह की 9 बजे तक, तो बहुत थक जाते हैं गर्मी में। आजकल तो चक्कर आते हैं, फीडिंग करा के कहीं पर भी बैठो और उसके बाद खड़े हो ना तो सर घूमता है। रात को भी यही हाल होता है गर्मी में। तुम फिर आ गए हो, तुम फिर आ गए हो। चलिए, ये बच्चे इतनी बुरी कंडीशन में, छोटे से केज में है, देखो इसके लैक्स का इलाज होगा। और ये मैं सुबह इनको खाना खिला दिया, खा लो खाना, खाना खाओ खाओ, चलो चलो खाओ खाओ, खा ले खा ले खा ले, ये लो ये ले। हाँ क्या हुआ, चलो खाना खा ले। चलो सुबह दिन को मैंने खाना खिला दिया, ये सारा खाना खा रहे हैं, मैं इनको खाना डाल रही हूँ। डोडो खाना खाओ, चलो जाओ। डर के खाता है, बहुत डरता है, क्या आ जाएगा ये, बस वो डर रहा है कि कोई कुत्ते इसको ना आए। बहुत ये देखो गौ माता के नाम पे देखो कैसे कूड़ा खा रही है। करो गाय की हालत ऐसी भाई। चल तेरे मेरे को लेने आई है, लेने आती है मेरे को कि किसी और को मत खिलाओ। खा ले, भूखा था बच्चा बेचारा, खा लो खा लो, खा ले खा ले। खड़े हो कहीं पर, बारिश हो रही है और कितना अच्छा लग रहा है देखो। ये देखो इनको अद्दा से तक शोर मच जाता है ना बच्चों। चलो चलो, अच्छा चलो आ गई मैं, मम्मी बाहर ना जाए 2 मिनट के लिए भी है। बच्चे को मैंने शायद 3-4 महीने की थी या 2 महीने की, तब मैंने खाना खिलाया था। शिनोस मेरे को अभी तक जानती है, बच्चा भूली नहीं मेरे को ये। चलो आज ये दोनों टाइम पे मिल गए हैं, स्वीटी और कोको। अच्छा है जब बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं ना, थोड़ा सा सही लगता है। खाओ बेटा, इसको ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि बड़ा है ना, और ये छोटे खा रहे हैं। चलो मैं इनको खाना दे के ना आगे जा रही हूँ, ये खा लेंगे आराम से। आज दोनों टाइम पे मिल गई हैं और मैंने खाना दे के जा रही हूँ। खा ले मोटे, खाओ। खा लो दोनों के दोनों, भर पेट खाला खा लो, फिर जाऊँ पूरा खाना खिला के जाऊंगी मैं। चलो चुड़ैल भी आ गई खाना खाने। टोटो कहाँ होगा, टोटो को भी देखना, टोटो मिल जाए तो उसको भी खिला दूँ मैं, फिर मेरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। खा ले, ये चौधरी बैठा है, अच्छा इससे डर रहा है तू। अब गया खाने के लिए, शायद खुजली करनी थी। ऊपर वो बैठा ना चौधरी, उसके डर की वजह से बच्चा खाना नहीं खा रहा था, बैठा देखो नीचे खड़ा, ये होता है ना रॉब। खा ले, अरे आ खा ले खा ले। आज मैंने 2 शॉट डाली थी जिसमें ना मैं एक डॉग को किसी लेडी ने बाहर बांध रखा था, ऊपर से बहस कर रही थी, तो एक बंदा आके मुझे बोल रहा आप शो ऑफ कर रही हो, आप दिखावा। तो एक बार आप उस शॉट देखिएगा और बताइएगा क्या मेरी उस शॉट में मैंने कुछ गलत किया है। आज मैंने 2 शॉट डाली हैं, तो उसमें एक जगह किसी सर का कमेंट आया है कि भाई आप लोग सुधर जाओ, जमीन में रेस्क्यू करो, अगर आपको
आप जो लोग मुझे जानते हैं क्या ये नहीं जानते कि मैं किस लेवल पे काम करती हूँ, कैसा करती हूँ? तो आप मेरी वो दोनों शॉर्ट्स देखिए और वहाँ पे जाके बताइए कि क्या मैंने उन शॉर्ट्स में गलत किया है। अगर मैंने किसी को ये बोला है कि अपने डॉग को बाहर मत बांधिए धूप में, आप इसे अंदर रखिए, तो क्या मैंने वो गलत किया है? क्या आपको मेरी वो दो शॉर्ट्स आज की जो मैंने डाली हैं कुछ गलत है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को सुधारूँ। शायद मैं देख नहीं पाती है। इस बंदी ने मेरे को इतना दुखी कर दिया कि इसके लिए मेरे रात को 12 बजे आना पड़ता है, जब सारी मार्केटें बंद हो जाती है तब मुझे इसे खाना खिलाने के लिए आना पड़ता है। बेटा उधर की साइड खेल, अभी उधर की साइड खेल, इधर की साइड नहीं, वो खाना खा रहा है, वो बड़ी मुश्किल से खाना खा रही है। अब ये खाना खा रही है इतनी लेट, देखो मतलब एक बंदे के लिए मुझे दोबारा आना पड़ा है। चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।